हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। ये जो लेक्चर है ईएमटी का, इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये जितने भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए अगर ये क्वेश्चंस आप लगा के जाते हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ईएमटी जिसके अंदर अराउंड हम 120-130 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, तो करीबन पाँच से छः लेक्चर्स के अंदर हम ये कवर कर रहे होंगे। सो दैट आपको छोटे लेक्चर्स के अंदर, मतलब एक लंबा लेक्चर लेने के बजाय आप छोटे छोटे लेक्चर्स लें, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत इफेक्टिवली हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पी एट द पॉइंट ए अलोंग द डायपोल एक्सिस एंड बी अलोंग द बाइसेक्टर एज एक्सिस आर गिवन एज। तो यहाँ पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो डायपोल क्या होता है? डायपोल मतलब दो चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, पर जो साइन है वो अपोजिट है, यानी कि एक माइनस है तो एक क्या है, प्लस है, और इनके बीच की कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें ये पता है कि जब दो चार्ज होते हैं उनके बीच जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, पर उनकी जो डिस्टेंस, जो उनका साइन है वो अलग अलग होता है, उनके बीच कोई एक डिस्टेंस होती है, तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, डायपोल। डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी कि इनके बीच जो डायपोल बनेगा उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होगी, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा पी इक्वल्स टू क्यू टी। अब हमें जो डायपोल निकालना है वो एक तो निकालना है अलोंग द एक्सिस, ये पॉइंट है, और एक निकालना है बाईसेक्टर। बाईसेक्टर का मतलब होता है कि जो ये लाइन है, जो डायपोल वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलर, इसके बीच में से पास हो रही लाइन के ऊपर कोई पॉइंट। तो अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। मैंने अपने YouTube के लेक्चर्स पर भी आपको काफी बार बताया है ये। तो यहाँ पर एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो डायपोल आएगा, या इसको मैं ऐसा लिखूं ई एक्सियल, ई एक्सियल की वजह से, एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी वैल्यू होगी 2kp अपॉन r क्यूब। और इसमें जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वही होगी जो डायपोल की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। जबकि जब हम यहाँ पर निकालेंगे बी पॉइंट पर, यानी कि बाई सेक्टर पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसको मैं परपेंडिकुलर से भी लिख सकता हूँ, तो ये आएगा माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। के का मतलब हो गया 1/4πε0। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अब यहाँ से देखो आप कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ देखो पहले में लिखा हुआ है 2p/4πε0r³। फिर यहाँ लिखा है -p/4πε0r³, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को जो हमने किया, आपको दो तीन चीजें जानने को मिली हैं। एक तो आपको ये जानने को मिला डायपोल कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है या स्केलर होती है, इसको किस तरह से हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड में चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। फिर आपको जो एक्सियल पॉइंट पे डायपोल की वैल्यू है उसका पता लग गया, और फिर उसके बाद बाई सेक्टर के ऊपर उसकी वैल्यू का आपको जानने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट i एट द सेंटर एंड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड आर गिवन एज। तो सोलेनॉइड एक बंद नली है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत सारे, इसमें हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सोलेनॉइड के अंदर किसी भी जो पॉइंट के ऊपर, है ना, इनसाइड जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको याद रखना है म्यू नॉट एन आई, जहाँ आई होता है करंट, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसी एंड पॉइंट पर निकालना है, तो एंड पॉइंट मतलब यहाँ पर आ गए या फिर यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर एंड के ऊपर जब हम इसका निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई ओवर टू। उसकी वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट एन आई ओवर टू, यानी कि ऑप्शन अगर मैच कराएं तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी, डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। अज्यूमिंग न्यूक्लियस चार्जेस एज अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एज अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द
एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, हालांकि इसका आंसर तो मैं आपको सीधा बता दूं कैसा आएगा, 4πε0r³ आएगा आंसर, तो मैंने आपको ये बता दिया सीधा सीधा। अब ये आएगा कैसे एक बार मैं थोड़ा सा आपको वो भी हिंट दे देता हूं। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है किसी एटम के ऊपर, जो किसी एटम के ऊपर, तो उसमें इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि जो न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो शेल्स हैं उनमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, इनका मास सेंटर और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उनका सबका मास सेंटर एक ही जगह पर रहता है, इनिशियली हम ये मान के चलते हैं। परंतु जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। किन दोनों के बीच में, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका मास सेंटर और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास सेंटर। लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन का है और ये सपोज प्रोटॉन का है, तो इनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, साइन भले ही अपोजिट हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, डाइपोल बना देते हैं। तो इस वजह से जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे फोर्स लगने पर, तो इस वजह से वो डाइपोल बन जाता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है, उनके बीच में डायपोल मोमेंट आ जाता है। तो ये डायपोल मोमेंट आएगा, तो इस डायपोल मोमेंट की वजह से यहां पर अब क्या होता है, यहां पर पोलराइजेबिलिटी हो जाती है। पोलराइजेबिलिटी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपने ये पढ़ा है कि पोलराइजेशन जो है या जो डायपोल मोमेंट है वो प्रोपोर्शनल होता है ई के, ई बोले तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटता है तो एक जो कॉन्स्टेंट आता है उस कॉन्स्टेंट को हम नाम देते हैं अल्फा, एंड दैट इज नोन एज एटॉमिक एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी इज नोन एज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जब ये अपने जगह छोड़ी है, इसने एक तो ये था, ये स्फीयर था पूरा जिसकी रेडियस थी ए, अब एक छोटा बन गया, तो यहां से अब दो चार्ज हो जाते हैं, है ना। एक तो अलग गोला बन गया जिसकी हम डिस्टेंस मान लेते हैं डी, ये वाला बन गया डी, है ना, ये जिसकी रेडियस हो गई डी, और एक ये है जिसकी पहले से ही रेडियस हमें गिवन है आर। तो ये डी वाले रेडियस के अंदर हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम वॉल्यूम चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक मिनट रुकना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम इसके चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है रो, रो इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन वॉल्यूम, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम। तो पहले जब ये दोनों कोइंसाइड कर रहे थे तो उस टाइम जो चार्ज था बाहर वो था E, अब और जो वॉल्यूम था पहले, वो पहले वॉल्यूम कितना था, 4πr³, है ना, 4/3πr³। और बाद में जब ये छोटा गोला बन गया यानी कि जिसकी जो रेडियस है वो d है, तो इसके लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4π 4/3πd³। तो कुल मिला के मैं जो स्मॉल स्पेयर बनाए इसके लिए चार्ज निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां से मेरे पास चार्ज की नई वैल्यू आ जाती है, और ये जो चार्ज की वैल्यू है ये आती है ED³ अपॉन R³। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, अब इसको बैलेंस करने के लिए इनके बीच में क्या लगेगा, एक कूलम फोर्स लगेगा। ये कूलम फोर्स किसके बराबर होता है, K³ Q² अपॉन R² अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी, तो क्या लग जाएगा, D² तो इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे कूलम फोर्स। कूलम फोर्स जो है वो कितना होता है, K³ Q² अपॉन R² यहां मैं स्मॉल r लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो जाए, तो ये हो गया स्मॉल r स्क्वायर। अब k को k लिखा रहने दो, q1 क्या है, e है, और q2 जो है वो आपने फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू क्या है, ED³ अपॉन R³, है ना, तो ये कितना है, ED³ अपॉन R³। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको रख देनी है यहाँ पर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D² है, तो आप क्या लिख देंगे, D² तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई KE² D बच जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा R³। अब ये जो फोर्स है ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, यानी कि QE, यहाँ पर चार्ज क्या है, E है, तो ये फोर्स को आप बराबर कर दोगे EE = आप लिख दोगे KE² D अपॉन R³। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ED की वैल्यू चाहिए, ED की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि आप डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं, तो डायपोल मोमेंट जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया EA³ over K। A कहाँ से आ गया, R आएगा ना, E R³
ओवर के, के का मतलब हो गया 4πε₀। तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन बना 4πε₀ ऊपर हो गया आर क्यूब और इंटू ई। इसको पहले वाली इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो यहां से ये बराबर हो गया, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो गई 4πε₀ आर क्यूब, जो कि आंसर भी है। अब आप एग्जाम के अंदर इतना बड़ा तो करोगे नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो इसको आप याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में आपको हाइड्रोजन का भी पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बताओ, तो भी आपको यही ऑप्शन लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन आर रेस्पेक्टिवली। तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है आई इंटू एल, आई इंटू ए। आई का मतलब क्या होता है करंट जो उस लूप में फ्लो कर रही है, और ए का मतलब क्या होता है एरिया। तो यहां से हम जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्या वैल्यू आती है, ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन टू। क्या वैल्यू आती है, ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन टू। उसके बाद जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है आर क्रॉस पी। पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अब जब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, इसको और इसको, आर पी, पी का मतलब होता है एम इंटू वी, वी को लिख सकते हो आप क्या ओमेगा आर। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे इसको और इसको, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है, क्या रिलेशन बन जाता है, म्यू एल इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन टू एम, माइनस ई अपॉन टू एम, और ये एल आ गया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहां पर मैंने लिख दिया आर और इसको लिख दूंगा एम वी, फिर V को क्या लिख दूंगा ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा एम ओमेगा आर स्क्वायर ना। तो आप क्या करोगे, म्यू एल को डिवाइड कर दोगे किससे, एल से। म्यू एल को डिवाइड करोगे एल से, तो यहां पे क्या बचेगा ई अपॉन टू एम इंटू ई अपॉन टू एम बचेगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये बना लो। यहाँ माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है और जो ऑर्बिटल मोमेंटम, ये जो आया है आपका क्या डायपोल मोमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। इसी तरह से हम स्पिन मोमेंट निकालते हैं, स्पिन मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, माइनस ई अपॉन एम इंटू एस जेड। एस जेड का मतलब क्या होता है, स्पिन मोमेंटम या स्पिन मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन, जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन। और इसकी फिक्स वैल्यू है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है या तो इसकी वैल्यू होती है प्लस बाय टू और या इसकी वैल्यू होती है माइनस वन बाय टू, इन दो वैल्यू में से इसकी वैल्यू फिक्स आती है। तो यहां हमारे पास ये दो वैल्यू होती है, ई बाय एम इंटू एस वेक्टर, ये एस वेक्टर होता है स्पिन वेक्टर, यानी कि स्पिन मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एल का मतलब होता है ऑर्बिटल एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो कौन सा आंसर आ गया, डी, ठीक है। तो डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर व्हिच इज यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड पी अलोंग द जेड एक्सिस। तो पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर, मैं यहां लिख देता हूं इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर, पोलराइज्ड स्फीयर, तो पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसके अंदर जो चार्ज है वो है जीरो। तो इसके अंदर अगर चार्ज जीरो है तो इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अंदर होगा। दैट मींस कि इसके लिए लाप्लास इक्वेशन और जो यूनिकनेस थ्योरम है वो दोनों सेटिस्फाई होती है ना। तो इट मींस लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन एंड यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम सेटिस्फाइज द अबव रिलेशन, सेटिस्फाई द अबव रिलेशन, अबव रिलेशन। भाई लाप्लास इक्वेशन क्या है कि डाइवर्जेंस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, जीरो, क्योंकि अंदर चार्ज है नहीं, अंदर चार्ज है नहीं तो ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। और फिर मैंने कहा क्योंकि अंदर चार्ज जीरो है तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा, तो इसका जेड डायरेक्शन में जो पोटेंशियल का कंपोनेंट आता है, जेड डायरेक्शन में है ना, कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वो आता है पी जेड अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, पी जेड अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। और इसको ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे जेड डायरेक्शन में, तो वो कैसे निकालोगे, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जेड डायरेक्शन में, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जब करोगे तो यहां से कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस पी ओवर थ्री एप्सिलॉन नॉट, माइनस पी ओवर थ्री एप्सिलॉन नॉट, और एक्स और वाई कॉम्पोनेंट है नहीं, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जीरो, और ई वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी जीरो। तो हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है एक्स वाई कॉम्पोनेंट, एक्स वाई कॉम्पोनेंट क्या आ गया जीरो जीरो, जेड कॉम्पोनेंट कितना आ गया माइनस पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इस क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली पोलराइज स्फीयर ऑफ रेडियस आर अलोंग द जेड एक्सिस विच इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। देखो इसके अंदर जब ये क्वेश्चन पिछला वाला ही है, जैसा हमने पीछे वाला किया था, इसके पहले वाला, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आया था मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पोलराइजेशन की डायरेक्शन के अपोजिट, पोलराइजेशन की डायरेक्शन है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट आया था जेड डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस थ्री माइनस पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, जेड डायरेक्शन के अंदर आया था माइनस पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। अब हमें यहां बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अलोंग द जेड एक्सिस विच इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन में बताना है, पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर ये माइनस वाला भी है, पर माइनस वाला कौन सी डायरेक्शन दे रहा है, जो ये जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर क्या बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, तो पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन है ये, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, यहां पर हमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज फॉर स्टैटिक लीनियर एंड नॉट मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन अ होमोजीनियस मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक के केस में, डाइइलेक्ट्रिक के केस में जो गाउस लॉ है, ये डायलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया सरफेस एरिया वेक्टर, और यहां पर क्या आ जाएगा रो एफ, क्या आ जाएगा रो एफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज फॉर स्टैटिक लीनियर, तो स्टैटिक लीनियर के लिए कौन सा हो गया, यही हो गया स्टैटिक लीनियर एंड नॉट मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन अ होमोजेनस मीडियम, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर सी आ जाएगा। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एम्पियर्स लॉ ये होता ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है, और ये भी नहीं होगा, कौन सा आ जाएगा सी आ जाएगा। तो ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फॉलोइंग एक्सप्रेशन कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी, तो ये कौन सी हो जाती है फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ, ठीक है। और ये आप कहां पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में क्या होता है, कर्ल ऑफ ई किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। और डायनामिक्स में क्या होता है, कर्ल ऑफ ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल बी ओवर डेल टी, विच इज नॉन एज फेराडेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, इनमें से कौन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड का सोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीसी करंट इन अ कंडक्टिंग वायर, अ डीसी करंट इन अ सेमी कंडक्टिंग वायर, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, अ चार्ज डिस्क रोटेटेड विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, हमें पूछा है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। हम ये बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, जब जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होता है। यहां पे हमें मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब केवल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इन तीनों से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटो फील्ड भी जनरेट होगा, यानी कि ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, ये कंडीशन किसकी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फोर्स एफ ई एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एफ एम ऑन अ चार्ज पार्टिकल। पहला ऑप्शन लिखा है कि एफ ई एंड ई एंड एफ ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एफ ई, एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वेयर एज बी एंड एफ एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें कौन से बताने हैं जो सही नहीं है, बोथ एफ ई एंड एफ एम डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। भाई एफ ई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है,
एफ ई की जो वैल्यू है वो होती है क्यू ई, और एफ एम की जो वैल्यू होती है क्यू वी बी। तो ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा वेलोसिटी पे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत। बोथ एफ ई एंड एफ एम कैन परफॉर्म वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल। एफ ई तो चार्ज पार्टिकल पर करेगा वर्क, पर एफ एम के केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वहां पर कौन सा लगता है, वर्क एनर्जी थ्योरम वहां पे लगती है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो। तो एफ एम के केस में वर्क डन जो होता है वो होता है जीरो। तो यहां पर ये ऑप्शन भी गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ, फिर पूछा है एफ ई इज एक्सेलरेटिंग फोर्स वेयर एज एफ एम इज प्योरली डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो एफ एम तो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, वो घुमाएगा उसको सर्किल में, और एफ ई उसको क्या करेगा, आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, यानी कि ये सही है। तो हमें कौन सा चुनने है, हमें चुनने गलत स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट कौन से हो गए, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर द रॉन्ग आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव विच इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब दो लाइट वेव हमें यहां पर दी है, एक का ये कॉम्पोनेंट एक्स और ये कॉम्पोनेंट है वाई। तो एक्स कॉम्पोनेंट जो है ई एक्स, उसको मैं लिख लेता हूं ई नॉट एक्स से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा हो गया ई वाई, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव बाई फोर। अब हम अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं, किसकी, एक्स की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस में एक्स बराबर जीरो रखते हैं, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जैसे ही मैंने एक्स जीरो रखा तो ई वाई की वैल्यू मिलेगी, ई एक्स तो जीरो हो गया, ey की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, e नॉट अपॉन रूट टू। जैसे ही x को हमने जीरो करा, ey की वैल्यू मिलेगी e नॉट अपॉन रूट टू। फिर हम किसको जीरो कर दें, y को, y को आप जीरो करोगे, y को जीरो, x की वैल्यू को जब हम e नॉट बाय रूट टू ले लें, अब x की वैल्यू को हमने ले लिया e नॉट अपॉन रूट टू, तो यहां से हमें ey क्या मिल गया, जीरो मिल गया, ठीक है। यहां से हमें ey की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो, और एक हमने लिया ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी वैल्यू को हमने लिया पाई बाई टू, तो यहां से हमें ई एक्स की वैल्यू जो है वो मिली ई नॉट, और ई वाई की जो वैल्यू है वो मिल गई ई नॉट बाय रूट टू। तो यहां से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, तो हमें एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या मिलता है, एक इलिप्स मिलता है। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एक क्या मिलता है, इलिप्स मिलता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इलिप्टिकल आ जाएगा, सर्कुलर तो है नहीं, ये तो साफ साफ पता लग गया, तो सर्कुलर तो ये है नहीं, क्या है, इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल है वो भी कौन सा होगा, लेफ्ट हैंडेड क्यों है, क्योंकि किसमें चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज पाई बाई टू एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू पाई बाई फोर देन द इमरजेंट लाइट रे इज। यदि फेज एंगल पाई बाई टू होता तो जो इलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइज दोनों पॉसिबल थे, तो पोलराइजेशन जो होता, पोलराइजेशन वो इलिप्टिकल भी हो सकता था और वो सर्कुलर भी हो सकता था, ठीक है, वो इलिप्टिकल भी हो सकता था और वो सर्कुलर भी हो सकता था। परंतु अब यहां पर फाई की जो वैल्यू है वो पाई बाई फोर नहीं है, फाई की वैल्यू पाई बाई फोर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्कुलर तो होगा नहीं, नॉट सर्कुलर। सर्कुलर नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा इलिप्टिकल, क्योंकि पिछली बार पिछले केस में हमने देखा है ये कौन सा हो जाएगा, इलिप्टिकल। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, ईएमएफ इज अ क्लोज्ड डैश 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 इंटीग्रल ऑफ अ नॉन कंजर्वेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज जनरेटेड बाय बैटरी। तो फेराडे जो लॉ है ईएमएफ का, ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी ईएमएफ के लिए। और हम ये जानते हैं कि जो ईएमएफ यानी कि EMF, जिसको मैं डेल्टा V से भी लिखता हूं, ये बराबर है माइनस ई डॉट डीएल के, ई डॉट डीएल। तो इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूं यहां से, तो यहां से बन जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल बराबर हो गया डी फाई अपॉन डी टी। तो ये कौन सा इंटीग्रल हो गया, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन हो गया। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में होता तो यहां पर वैल्यू जीरो हो जाती है ना, ये किसमें है, ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ये कब है, फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में क्या हो जाता, ई डॉट डी एल इसकी वैल्यू हो जाती जीरो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब मैं एक क्वेश्चन के साथ दूसरा भी आपको साथ में बता ही रहा हूँ कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस, इलेक्ट्रॉन की रेडियस हमें पूछिए, क्लासिकल इलेक्ट्रॉन की रेडियस, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, किसी चार्ज को किसी स्फीयर के ऊपर स्टोर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है U इक्वल्स टू 3/5 kq² / r। क्योंकि यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स लग रही है तो एनर्जी जो है वो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली किसके बराबर हो गई, एम सी स्क्वायर के, जो Q है वो E के बराबर हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर रहे हैं, तो 3/5 यहाँ लिख दिया मैंने kE² / r, और ये हो गया एम सी स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है R की, तो R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 kE² / 5 mC². अब इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी भी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के लिए E हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, एम हो जाएगा 9.1 × 10⁻³¹, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, ये सारी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आर की वैल्यू हमें मिलेगी 1.69 × 10⁻¹⁵, 1.69 × 10⁻¹⁵, ये वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, डायमैग्नेटिज्म इन मैटर इज कॉज्ड बाय, देखो लार्मोर फ्रिक्वेंसी आप पढ़ते हो तो लार्मोर फ्रिक्वेंसी के दो रिजल्ट आते हैं कि उसकी वजह से जो ऑर्बिटल मोशन है, जो पार्टिकल की ऑर्बिटल मोशन है वो अलग अलग मिलती है हमें, सेम ना मिलकर दो डायरेक्शन में अलग अलग मोशन मिलती है ऑर्बिटल मोशन, तो उस ऑर्बिटल मोशन की में चेंज की वजह से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या आ जाता है, डायमैग्नेटिज्म आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ, तो बोहर मैग्नेटॉन किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की होती है। हमने ये पढ़ा है म्यू एल अपॉन एल किसके बराबर है, -E/2m, ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि एल बराबर है बोहर्स थ्योरी से L=L=LmvR, और ये हो गया NH/2π के बराबर, NH/2π के बराबर। तो यहां से इस रिलेशन को और इस रिलेशन को जब हम यूज करेंगे तो हमें यहां पर एक फॉर्मूला दिखेगा, वो फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू एल इक्वल्स टू एन ई एच अपॉन 4πm, तो ई एच अपॉन 4πm जो है इसको हम क्या कहेंगे, म्यू बी, म्यू बी को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन, म्यू बी को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक, तो ये बोहर मैग्नेटॉन हो गया हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज जीरो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, तो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इसको बनाओ, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज जीरो। एक हमने पढ़ा है नियम कौन सा, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट जे, क्या होता है, म्यू नॉट जे। अब मैं इसका डाइवर्जेंस कर लेता हूं, इसका मैंने डाइवर्जेंस कर दिया तो ये क्या बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट जे, तो यहां से म्यू नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या चला गया, डाइवर्जेंस ऑफ जे, डाइवर्जेंस ऑफ जे हमें जीरो दे रखा है, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू ये क्या आ गया, जीरो। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अभी ये मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए रो डाइवर्जेंस ऑफ डी, डी मतलब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर होता है रो एफ, रो एफ का मतलब हो गया फ्री चार्ज, तो यहां हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, रो एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स ये एफ ई प्लस एफ एम के इक्वल हो गया, तो ये वैल्यू हो गई क्यू ई और क्यू वी बी, तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया जा सकता है, जे डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। तो एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कंडक्शन करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी प्रोड्यूस होता है, तो बोथ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, बोथ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, तो डेल ई अपॉन डेल टी से भी प्रोड्यूस होगा, और जो ये वाली करंट है डेल ई अपॉन डेल टी इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों की वजह से ही प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। तो होपफुली इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।